अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी स्ट्रॉबेरी के साथ मज़ेदार से मीठा बनाने का तरीका। कोई किचन में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं इस आसान और सादे से मीठे को। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए 10 अदद फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। 10 अदद दरमियाने साइज की स्ट्रॉबेरीज ली थी और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था ताकि जब ग्राइंड की जाएँ तो अच्छे से ग्राइंड हो जाएँ और इसमें लम्स वगैरह ना रहें। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी डालने की वजह ये थी कि ये स्ट्रॉबेरी जो है थोड़ी सी खट्टी है, तो 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी अगर आप चीनी ये जो है बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा ही होगा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा। वो भी मैं सिर्फ इसलिए डाली है कि मेरे पास जो स्ट्रॉबेरी थी बहुत ज़्यादा खट्टी थी। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो फिर आप जो है इतनी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ज़्यादा मीठा फिर खाया नहीं जाएगा। उसके बाद व्हिपिंग क्रीम ली थी। व्हिपिंग क्रीम लेने के बाद इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करते हुए हमने अच्छे से इसको व्हिप करना है। व्हिप करने का तरीका ये होता है कि पहले आपने इसको बिल्कुल स्लो स्पीड से, बिल्कुल इसके ऊपर जो नंबर होते हैं वो मेंशन होते हैं, तो आपने बिल्कुल पहले पहले नंबर से इसको व्हिप करना स्टार्ट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो को बढ़ाते जाएँ और कम से कम 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे व्हिप क्रीम को अच्छे से व्हिप करने में। और ये वाली व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 500 ग्राम का पैक मिल जाता है, तो मैंने 200 ग्राम तकरीबन जो व्हिपिंग क्रीम है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप करना है। व्हिप जब आपकी व्हिपिंग क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाए तो उसका आपको कैसे पता चलता है कि आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है, तो आपने बाउल को बिल्कुल आप उल्टाएंगे तो व्हिपिंग क्रीम जो है वो नीचे नहीं गिरेगी। आपकी व्हिपिंग क्रीम जो है वो नीचे बिल्कुल नहीं गिरेगी इस तरह, तो इसका मतलब होता है कि आपकी व्हिपिंग क्रीम जो है परफेक्टली व्हिप हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टेज पे हमने जो स्ट्रॉबेरी का ये जो सिरप तैयार किया था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको एक दफ़ा अगेन हम इसको इतनी देर तक व्हिप करेंगे कि ये अच्छी खासी जो है वो हार्ड हो जाए। इसी तरह इस दोनों को मिक्सचर को जब अच्छे से मिक्सअप करेंगे, व्हिपिंग क्रीम और स्ट्रॉबेरी सिरप को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हमने एक अगेन देखना है कि हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो नीचे तो नहीं गिर रही, और इसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये थिक और हार्ड हो चुकी है। तो उसके बाद फिर पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करते हुए मैंने पाइपिंग बैग के अंदर कुछ मिक्सचर जो है वो ऐड कर लिया था। अगर पाइपिंग बैग आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ना करें। मैंने ऊपर से इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए पाइपिंग बैग के अंदर ऐड की थी। अगर आप नहीं करना चाहते, आप इसको सिंपल भी आप प्याली में इसको निकालें और इसको चिल करें, अच्छा सा फ्रीजर में रखें और इसको आप इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो मीठा जो तैयार होता है। आजकल जैसे कि गर्मी का सीज़न फुल स्टार्ट हो चुका है, तो गर्मी के सीज़न में किचन में जाना ही बहुत मुश्किल काम लगता है। और अगर मज़ेदार सा गर्मी मीठा बनाना चाह रहे हैं ना, तो इस तरीके से आपके पास जस्ट व्हिपिंग क्रीम और स्ट्रॉबेरी होनी चाहिए और इस मज़ेदार से मीठे को आप फौरी बना सकते हैं। बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है। बच्चों को अगर बाजारी आइसक्रीम वगैरह मीठे खाने बहुत पसंद है, तो उनके लिए आप घर में इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली क्रीम वगैरह खाना पसंद नहीं करते। इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, फ्रीजर में रखूंगी 1 घंटे के लिए और उसके बाद जी इसको करेंगे इंजॉय। तो स्ट्रॉबेरी मार्केट में मौजूद है। स्ट्रॉबेरी के साथ आप इस मज़ेदार से मीठे को ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।